Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today 27th October of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूपी में कहाँ पे है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है पार्क यूपी में का किस स्टेट किस सिटी में है? आपको सिटी का नाम बताना है किस सिटी में है। दूसरा क्वेश्चन आता है TTCI, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो होता है TTCI, वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ आपको कोई वीडियो से डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 इस लोगों के साथ आप टाइप करेंगे क्वेश्चन आर, तो इस लोगों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी है, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। जो हम बात करते हैं, पूरी एनालिसिस करते हैं, वो सारे PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बताते रहते हैं, जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट होती है पर डे, या जो और न्यूज़पेपर्स में आई रहती है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आंसर राइटिंग भी करते हैं। ये जो आंसर राइटिंग है, ये आपको लिखना रहता है, वो चेकिंग की जाती है उसकी कि आपके पॉइंट सही हैं कि नहीं, पूरा चेक होता है। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज आती है एपेक्स कोर्ट स्टेज ऑर्डर ऑन वर्चुअल कैंपेन्स की। क्या कहते हैं, एपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कि क्या कहते हैं वर्चुअल इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए, जो उनके बाय इलेक्शन होने वाले हैं 28 असेंबली इलेक्शन के लिए मध्य प्रदेश में। तो उसमें कहा गया कि आप वर्चुअल कैंपेन्स करिए, आप क्या कहते हैं नॉर्मल जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं उस तरह से नहीं, वर्चुअल तरह से कीजिए, जिससे क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो, कोई घर से बाहर ना निकले ज़्यादा, कम लोग रहेंगे एक जगह इकट्ठा, तो जिसके कारण नहीं तो इलेक्शन कैंपेन्स में सभी लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो सकती है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको स्टे किया है, और उन्होंने ऐसा इंसिडेंट अपना ऐसा केस पे जजमेंट दिया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, सेंटर प्रोमिसेस टू चेक स्टबल बर्निंग की। सेंटर ने प्रॉमिस किया कि वो लॉ लाने वाले हैं स्टबल बर्निंग के लिए। इसमें कहा गया है सेंटर विल ब्रिंग इन अ लॉ टू एड्रेस एयर पॉल्यूशन, और क्या कहते हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और स्टबल बर्निंग जो दिल्ली में जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या कहते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म किया था कि एक लॉ लाना चाहिए, तो उस पर सेंटर ने कहा है कि वो जल्दी ही लॉ लाने वाले हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि उन्होंने ड्राफ्ट लेजिस्लेशन वुड बी रेडी दिस वीक, कि जिसका जो लॉ का ड्राफ्ट है, ड्राफ्टिंग अ लॉ, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में, ऐसा हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है। उन्होंने कहा है जो नया लॉ होगा वो टैकलिंग एयर पॉल्यूशन इन NCR की, एयर पॉल्यूशन जो नेशनल कैपिटल है हमारे दिल्ली, उस पर कंट्रोल करने के लिए होगा, और उसके एडजॉइनिंग एरियाज पूरा सब कवर करेगा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ऐसा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट RP गुप्ता ने बताया। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टबल बर्निंग होता क्या है। स्टबल बर्निंग मतलब क्या, व्हाट इज स्टबल बर्निंग, इसको हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग एक एक्ट होता है सेटिंग फायर टू क्रॉप्स रिड्यूस फ्रॉम टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड टू सो द नेक्स्ट क्रॉप। कि जो कोई भी आप क्रॉप लगाते हैं उसके बाद जो बचता है पीछे भूसा, क्या कहते हैं उसे स्टबल बर्निंग कहा स्टबल कहा जाता है। तो जिसको उसको जलाने के एक्ट को जब उसे हम जलाते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि जो बच जाता है खेतों में, कि नई क्रॉप लगाने के लिए, नया कहते सीजन आने पर नई क्रॉप लगाने के लिए हम लोग उसको जलाते हैं, तो उसी को स्टबल बर्निंग कहा जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, जिसके कारण ये स्टबल होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, और जब वो जलाया जाता है तो सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं, दिल्ली में तक में पूरा सराउंडिंग एरियाज उसके ये कवर हो जाता है, और क्या कहते हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये चालू होता है इन अक्टूबर और पीक्स इन आते हैं नवंबर में। विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, कहते दिसंबर 10, 2015 में NGT ने भी बैन किया था क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग इन स्टेट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कि यहाँ पे 2015 ही में NGT ने स्टॉप किया था, लेकिन लोग कर लेते थे। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या क्या है इसके कारण स्टबल बर्निंग, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बढ़ जाता है, AQI बढ़ जाता है, जैसे CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ जाता है,
ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SOX जो होते हैं सब बढ़ जाते हैं, पर्टलेट मैटर्स जो होते हैं उनकी अमाउंट बढ़ जाता है, कहते हैं ब्लैक कार्बन का, तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेज इन दिल्ली, ये हेज इन दिल्ली के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो PM@2.5 वो 40% ऑफ द नियर सर्विस PM2.5 को कंट्रीब्यूट करता है, ये जो क्रॉप बर्निंग होता है। सॉइल फर्टिलिटी को क्या कहते हैं ये इफेक्ट करता है, क्या कहते हैं ये पेस्ट इन एटमोसफियर, जो उसके उस एटमोसफियर में जो जानवर रहते हैं उनको भी इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा ये बर्निंग। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडिया टू साइन जियो स्पेटियल कॉपरेशन डील विथ US, की इंडिया साइन करने वाला जियो स्पेटियल कॉपरेशन डील US के साथ, SS में बताया गया। इसमें बताया बेका साइनिंग एट 2+2 डायलॉग टूडे, मिनिस्टर होल टॉक्स, की दोनों के मिनिस्टर्स के बीच में टॉक्स होनी है और एक 2+2 डायलॉग साइन होना है, ऐसा कहा गया इसमें। इंडिया एंड USA विल साइन द लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट, की वो ये लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट होगा, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटियल कॉपरेशन, बेका जिसे कहा जाता है, वो साइन होने वाला है, ये लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट होगा, ये 2+2 मिनिस्टर डायलॉग पे होगा, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। चलिए अब देख लेते हैं ये बेका होता क्या है। बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटियल कॉपरेशन, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। बेका बेका अलाउ करेगा इंडिया टू यूज द जियो स्पेटियल मैप्स ऑफ द US टू गेट पिन पॉइंट्री मिलिट्री एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम एंड वेपन सच एज क्रूसाइज एंड बैलिस्टिक मिसाइल, कि वो जियो स्पेटियल मैप्स यूज़ कर सकेंगे US का, जिससे वो जी पिन पॉइंट मिलिट्री एक्यूरेसी पा सके हार्डवेयर सिस्टम और वेपन्स की, जो क्रूज होते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स के होते हैं। बेका इसलिए भी इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर होगा इंडिया के लिए, जिसके कारण अनमैन एरियल व्हीकल सच एज द प्रेडेटर भी जो आएगा USA से, प्रेडेटर भी जो स्पेटियल डाटा यूज़ करता है एक्यूरेट स्ट्राइक्स ऑन एनिमी टारगेट्स, जिसके कारण वो एक्यूरेट स्ट्राइक कर सकता है एनिमी टारगेट्स पे, तो इसलिए इसलिए बैकअप बहुत ज़्यादा जरूरी था। ये वन ऑफ द फोर फाउंडेशनल मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स जो हैं उनमें से एक है, जो अदर तीन है वो है जिसोमिया, लेमो, सिस्माओ, ये जो ये तीन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन पूछते हैं, अगर आपको नहीं मिला ये तीन अगर आपको नहीं मिलते तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम में ये नोट दे दूंगा। इंडिया हैड रिजर्वेशन टू जियो स्पेटिकल मैपिंग, जिसके कारण इंडिया में एक रिजर्वेशन होगा जियो स्पेटिकल मैपिंग में, जिसके कारण नेशनल सिक्योरिटी हमारी मेंटेन हो पाएगी। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, बेका से आने से क्या फ़ायदा हो सकता है इंडिया को, साइनिंग जैसे ही हम बेका को साइन करते हैं ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम जो रशिया, चाइना, पाकिस्तान जो एक्सिस है मैरीटाइम डोमेन में, और स्टेबिलिटी आ पाएगी इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके कारण एक इंडिया के मैरीटाइम जो इंटरेक्शंस है क्वाड कंट्रीज़ के साथ वो अच्छे हो जाएंगे, इंडो पैसिफिक में इंडिया का जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन होगी, इंटरनेशनली स्ट्रेंथन होगी इंडिया की कंडीशन। इसके कारण एक स्ट्रेटजिक हैंडिंग हो पाएगी, जो कि टू मूव फॉरवर्ड इन रिलेशनशिप विद पावरफुल कंट्रीज लाइक द USA, इससे क्या कहते हैं जो हमारी पावरफुल कंट्रीज जैसी US है उनके साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो पाएगी, हम जब बेका साइन करेंगे USA के साथ तो हमारे रिलेशन्स उनके साथ और अच्छे हो जाएंगे। इसमें ये भी कहा गया इंडिया एंड द USA मस्ट नाउ स्ट्राइव टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड एग्रीमेंट्स, कि अब इंडिया और USA को चाहिए कि अब वो जो उनके अनफिनिश्ड एग्रीमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करें, और एक सेट टू कोड फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप, और एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाए रखें इंडिया और USA, ऐसा मांगना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है मैसूरू कीप्स एनुअल दशहरा फीट शॉर्ट, कि मैसूरू ने एनुअल जो उनका दशहरा फीट फेस्टिवल होता था उसको काफ़ी छोटा बनाया, जो कप कल्चरल टेबलूज लास्ट जस्ट 30 मिनट, जो कल्चरल टेबला चलता था वो सिर्फ 30 मिनट तक चला, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें कहा गया है जो फर्स्ट दशहरा फॉर टेस्को अभिमन्यु मैसूरू, जो कुमकी एलिफेंट्स, जो कावेरी और विजय के पास, जो वॉज अ शॉर्ट अफेयर एज ही हैड टू ट्रैवल जस्ट 70 मीटर रेदर देन 5 किलोमीटर, जो यात्रा 5 किलोमीटर चलती थी कुमकी जो एलिफेंट होते हैं उनके ऊपर, तो वो अब सिर्फ लेकिन इस बार सिर्फ 270 मीटर ही चली, ऐसा इसमें बताया गया। तो ये एक नॉमिनल प्रेजेंस हो सकता है कल्चर ट्रूथ का और टर्बलेक्स का, जैसे नॉर्मल ईयर्स में हमने देखा कि जो सवारी होती थी वो एक बिग स्पेक्टिकल होती थी विल मल्चर, कि उसके साथ साथ जो सवारी के साथ साथ कई कल्चरल इवेंट्स भी होते थे, कई घंटों तक 3 से 4 घंटे लग जाते थे वो कल्चरल इवेंट्स होने में।
इस साल हम लोग ने देखा जो सेलिब्रेशन था बहुत ही छोटा था, और क्या कहते हैं सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन अलाइव, कि उन्होंने जो पुराने ट्रेडिशन से थे उनको अलाइव करने की इसमें कोशिश की जाती है। और जो इस फिनाले होता है विजयदशमी का वो अम्बा वेलस प्लेस में होता है, क्या कहते हैं इसमें बताया गया है, तो इसमें यही बात बताई गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल आता है द शेड ऑफ ग्रे। द शेड ऑफ ग्रे का मतलब क्या है कि जो हमारे हमने देखा है कि पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट में है इस बार, तो इस एडिटोरियल में पूरी बात वही बताई गई है। इसमें बात बताया गया है पाकिस्तान के पास लिटिल ऑप्शन है, जिसके कारण वो जो FATF की मैंडेट टास्क है लिस्ट है उसको कंप्लीट कर सके जो 4 मंथ्स है उसके अंदर, वरना उसे ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें बताया गया जो पेरिस बेस्ड वॉच डॉग है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने कहा है कि लास्ट वीक, जिसके कारण पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि ग्रे लिस्ट में आप अभी हैं, लेकिन अगर आप 4 महीने में वो जो FATF की मैंडेटेड टास्क लिस्ट है उसको आप अगर कंप्लीट नहीं करते तो आपको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। इसमें ये भी कहा गया हिज कैबिनेट हैड प्रोजेक्टेड कॉन्फिडेंस दैट द कंट्री वुड बी टेकन ऑफ द ग्रे लिस्ट, मॉनिटर ज्यूरिसडिक्शन ऑन टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, कि उन्होंने कहा है कि हैविंग बीन क्लियर ऑन 121 ऑफ द 27 मैंडेट एक्शन पॉइंट्स की, उन्होंने कहा जो उनके 27 एक्शन पॉइंट्स थे, एक्शन टास्क थे, उसमें से उन्होंने 21 टास्क कंप्लीट कर लिए और जो बाकी 6 टास्क हैं वो भी वो 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और उन्होंने कहा है कि वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे और क्या कहते हैं ग्रे लिस्ट से भी टेक ऑन ऑफ हो जाएंगे, लेकिन ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। कि उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज से भी कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करता है पाकिस्तान। इसमें ये भी कहा गया है पाकिस्तान विल नाउ फेस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स ऑन इट्स मार्केट्स ऑन ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोक्योर लोन्स, कि जो प्रो लोन्स मिलते हैं FATF से उनको प्रोक्योर कर पाएगा February 2021, अगर वो ये जो 6 पेंडिंग इश्यूज है उनको कंप्लीट कर पाता है। इसमें ये भी लिखा है पाकिस्तान हैज लिटिल ऑप्शन इन कंप्लीट ये टास्क कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज मोर एक्शन अगेंस्ट UNSC बैंड टेररिस्ट और टेरर ग्रुप्स अगेंस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन लिंक किया जाएगा बैंड एंटिटीज के साथ, और फ्यूजिटिव टेररिस्ट परसुइंग कन्विक्शन देखे जाएंगे और उसे बैंड एक्टिविटीज अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट टू रिफ्लेक्ट ऑल दोज बैंड बाय द UNSC, और देखा जाएगा कि जो टेरर फाइनेंसिंग होती है नारकोटिक्स या स्मगलिंग के द्वारा पाकिस्तान में होती है कि नहीं, ये एक्टिविटीज़ है उनसे ही रिलेटेड है, इसीलिए 4 महीने में होना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अगर ये जो 6 टास्क हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा, वरना पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में FATF के जाल दिया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है FATF, ये FATF होता क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था 1989 में, ये इनिशिएटिव था G7 का जिससे वो एक पॉलिसीज ला पाए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। FATF का सेक्रेटरीट OECD हॉट क्वार्टर्स में है पेरिस में। इसमें ये 3 प्लेनरी मीटिंग्स हर 12 महीने के अंदर करता है, हर 12 महीने में ये 3 प्लेनरी मीटिंग्स होती हैं इसकी प्रेसिडेंसीज के 12, और इसकी प्रेसिडेंसी जो होती है वो रोटेट होती रहती है। 2019 में देखा था कि FATF में 37 मेंबर जुरिसडिक्शन थे, इंडिया ऑब्जर्वर बने था FATF का 2006 में, उसके बाद फुल फ्लेज मेंबर बना वो क्या कहते हैं 2010 में, उसको 34th मेंबर ऑफ द FATF बनाया गया। उसके बाद क्या कहते हैं EAG क्या होते हैं FATF के, EAG एक रीजनल बॉडी होती है जो कंप्राइज करती है 9 कंट्री की, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजबेकिस्तान और बेलारूस, एक एसोसिएट मेंबर है FATF का। रोल क्या होता है FATF का, ये ग्लोबल इकोनॉमी क्या कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड लाना जिससे फाइनेंशियल क्राइम जैसे मनी लॉन्ड्रिंग उनको रोकने के लिए। FATF जो रिकमेंड करता है कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल क्राइम से कैसे लड़ना है, मेंबर पॉलिसीज प्रोसीजर्स को बताता है लोग मेंबर कंट्रीज को, और इंक्रीज करता है एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी मॉनरिंग मनी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रेगुलेशंस होते हैं उनके पर भी ध्यान देता है कि ग्लोबली वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। इसकी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। ब्लैक लिस्ट नो कॉल फॉर एक्शन, ये कॉल फॉर एक्शन होती है जिसमें एक कॉमन शॉर्ट हैंड होता है डिस्क्रिप्शन फॉर द FATF लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट टेरिटरीज, की जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज होती है जो कोई कहते हैं जो बाकी कंट्रीज के साथ नॉन कोऑपरेटिव रहती है तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है।
ग्रे लिस्ट वो होती हैं जहाँ जिन कंट्रीज में टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ देखी जाती है तो उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। उनको वार्निंग दी जाती है, कुछ टास्क दिए जाते हैं, अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसके बाद उनकी जो फंडिंग होती है, लोन्स होते हैं, उनको वो प्रोवाइड नहीं होते। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है क्लियरिंग द एयर, कि जैसे हमने देखा इस पूरे एडिटोरियल में वही बताया गया कि जो US के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि उन्होंने इंडिया की एयर को फिल्थी बताया, कि गड़बड़ है, कि ख़राब है, तो उन्होंने इंडिया की एयर को ऐसा बताया। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि वो एक नेशनलिस्टिक बैकलैश किया उन्होंने, फॉरेन लीडर का एक इंसल्ट था इंडिया के ऊपर, ऐसा इसमें बताया गया। जैसे हमने देखा कि जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉल्यूशन, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा वर्सन किया, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, कहते हैं स्टबल बर्निंग के कारण और भी कई रीजन्स है उसके कारण, जैसे दशहरा फेस्टिवल आ गया, तो जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो एयर है हमारी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, इसमें यही बात बताएगी। तो उस पर जो हमारे US के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने कहा है कि वो कि इंडिया की एयर बहुत ही ज़्यादा फिल्थी है, कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इस पे सम ने ये भी देखा कि जो सम ऑफ द सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे, उन्होंने भी कई एक्शन लिए हैं कि नॉर्थ करंटली शोर, जैसे PM2.5 को कैसे कंट्रोल करना है। उन्होंने कई काउंटिंग कंसर्न्स भी देखे कि हेल्थ इम्पैक्ट्स में क्या इन्फेक्ट आ रहा है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे बनाए रखना चाहिए, करें कैसे वर्क करें, एयर क्वालिटी को कैसे बनाए रखें, तो उस पर उन्होंने भी वर्क किया है। इसमें यह भी कहा गया है, जैसे हमने देखा कि क्रोनिक एयर क्वालिटी जो क्रिसिस पार्टली आया है, जो हर साल आता है लगभग, जिससे हमने उन्हें उसको एमिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्यूल्स को कंट्रोल करने के लिए जो BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड लाया है, जो पुराने व्हीकल्स से उनकी प्रोडक्शन ही बंद करवा दी है, तो इससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसमें बताया गया जो इस वक्त एवरेज एनुअल एवरेज है इंडिया का नेशनल क्वालिटी एयर क्वालिटी है वो 40 mcg पर क्यूबिक मीटर है। तो क्या कहते हैं, जो 4 टाइम्स जो WHO की लिमिट है, जो WHO की लिमिट है वो लगभग 10 के लगभग है, और इंडिया में 40 mcg पर क्यूबिक मीटर है, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें यही बात बताई गई, तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है। इसमें लास्ट में ये भी कहा गया है कि जैसे हमने देखा कंटिन्यूड बर्निंग ऑफ क्रॉप स्टबल, जो क्रॉप स्टबल बर्न होता है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है एयर क्वालिटी में। इसमें यह भी कहा गया है कि हम और टाइम नहीं लॉस कर सकते, सिर्फ फाउल एयर क्रॉसिस को देख के हमें उसके लिए वर्क भी करना होगा पोस्ट COVID-19 एरा में, जिसके कारण इन फ्यूचर और ज़्यादा एयर क्वालिटी डैमेज ना हो, इसलिए ये बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है द मैनी लेसन फ्रॉम COVID-19, कि हमने COVID-19 के समय हम लोगों ने कई लेसन सीखे हैं। जैसे ग्लोबल पेंडेमिक में इसमें बताया गया है कि जो GRT के टाटा ओरिएंटेड होस्ट, जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया 50th एनिवर्सरी उन्होंने सेलिब्रेट की, तो इसमें बताया गया कि इन कंट्रीज जो हैं उन्होंने कई जगह प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया इस COVID-19 के समय। और अदर लेसन हमने देखा कि रोल ऑफ साइंस और साइंटिस्ट का रोल बढ़ा इंडिया में, तो हम लोगों ने कई फैक्टर्स देखे इंडिया में जो इम्पैक्ट बढ़ा इंडिया में। इसमें जेंडर्ड इम्पैक्ट, क्या क्या इम्पैक्ट आया उसके बारे में बताया गया। जैसे हमने देखा कि प्रोग्रेस हुआ, कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी वो बढ़ी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ी है, जो छोटे बच्चे की डेथ होती थी उनकी रेट बढ़ा है, तो इसमें एक फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है, इसमें ये बात बताई गई। और इसमें ये भी कहा गया, क्या कहते हैं, इसके COVID-19 के कारण एक डिस्टर्प्ट एजुकेशन सिस्टम आया, कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है बच्चों का। इसमें भी कहा गया डेवलपमेंट, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा है इस COVID-19 के समय, कई वुमेंस ने अपनी लॉस्ट की जॉब लॉस्ट की है, क्या कहते हैं, COVID-19 एरा में। तो इसमें एक फैक्टर ये भी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा की, जो क्या कहते हैं, हम हमारे पास डाटा ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन भी नहीं है, क्या कहते हैं, तो इस तरह की कई फैक्टर्स हैं जो हुए हैं लेकिन उतना डाटा हमारे पास नहीं है। इसमें ये भी कहा गया कि जैसे हमने कई कंट्रीज मूव किए हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके कारण कई प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बताए जिससे वो इस COVID-19 एरा में भी कंट्रोल कर पाए अपना। इसमें ये भी लिखा है कि हमारी ज़रूरत है कि हम वर्क कर सकें प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, और एक बिग रोल प्ले कर सकें टेक्नोलॉजी में, जिसमें कई सेक्टर्स बताए गए हैं। तो इस पूरे एडिटोर में क्या इफेक्ट होता है इंडिया पे, क्या इफेक्ट आया है, क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बताया गया।
इसमें ये भी कहा गया है, एक हेल्थ सिस्टम कैन नॉट बी अबाउट द सप्लाई साइड, इट हैज़ टू बी इन माइंड हाउ टू इन्वॉल्व सिटीजन इन द पीपल, कि ये हेल्थ सिस्टम सिर्फ सप्लाई साइड नहीं हो सकता, उसको में लोगों को भी कैसे इन्वॉल्व करना है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, कोड लाइव स्ट्रीमिंग कुड बी अब्यूज्ड, सीजीआई की, सीजीआई ने कहा है, सीजीआई ने क्या है कि कहते हैं जो कोर्ट की लाइव स्ट्रीम होती है वो भी अब्यूज़ हो सकती है, इस पर ऐसा कहा गया। तो अटॉर्नी जनरल हैड पुश्ड फॉर इट, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि लाइव जो लाइव स्ट्रीम होती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, वो जिसके कारण हर कोई एक्सेसिबल होता है उस प्रोसीडिंग्स का, देख सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप है। लेकिन उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई ने कहा है, शरद बोबडे ने, कि थ्री बेंच जो थ्री जज बेंच थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि इट वॉज ससेप्टेबल टू अब्यूसेस, कि वो एक अब्यूजेस हो सकता है उस लाइव स्ट्रीमिंग का, तो ये उतना हेल्पफुल नहीं हो पाएगा, ऐसा उसमें कहा गया है उन्होंने अपने जजमेंट में, स्टेटमेंट पर। तो उन्होंने ये भी कहा, ही रिमाइंडेड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स ओन जजमेंट की 2018 में जो उन्होंने दिया था, ओपनिंग अप फेवर की एपेक्स कोर्ट थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया था मेंटेन अनइम्प्लीमेंटेड, मिस्टर वेणुगोपाल हिंटेड एट द पेंडिंग ऑफर्ड अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी, कि उस ऑर्डर को अनइम्प्लीमेंट किया गया, वो उन्होंने ऑर्डर दिया था लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उस पर माने जो अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने ऑफर किया कि इसको पैंडेमिक के कारण हमें एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी लानी होगी। तो हम लोग देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, आर्टिकल 76 में मेंशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, कोई भी हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो इनकी क्वालिफिकेशन एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है, इनका टर्म ऑफ ऑफिस कोई फिक्स नहीं है, जब तक एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये लोग होते हैं, रिमूवल इनका ऑन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट नहीं है, ये पूरी तरह से जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल होता है वैसे इनका भी होता है, जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा तब तक ये रहेंगे, उसके बाद इन्हें हटाया जा सकता है। ड्यूटीज एंड फंक्शन इनके क्या है, ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे लीगल मैटर्स में, इन्हें रिफ़र भी करते हैं प्रेसिडेंट को, ये अपनी लीगल ड्यूटीज़ भी फॉलो करते हैं, ये जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में भी सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं जीओआई को। इनके राइट्स एंड लिमिटेशंस क्या हैं, इनको राइट होता है स्पीक बोलने का या किसी भी प्रोसीडिंग्स हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाने का, लेकिन वहाँ पर ये सिर्फ वोट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ये होल्ड एडवाइस शुड नॉट एडवाइस, ये एडवाइस नहीं कर सकते, होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकते। इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिस होता है इन द स्टेट वो एडवोकेट जनरल का होता है, सोलिसिटर जनरल का होता है, सोलिसिटर जनरल और एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनके, जो असिस्ट करते हैं एजी को, और उसके बाद आता है एडवोकेट जनरल, तो पहले आता है अटॉर्नी जनरल, उसके बाद सोलिसिटर जनरल और एडिशनल सोलिसिटर जनरल, उसके बाद एडवोकेट जनरल। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें, थैंक यू वेरी मच।